नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, आपको पता है यूपी लेखपाल की वैकेंसी से बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। क्यों बदली गई है आपकी सुनवाई? क्या आखिरकार कोर्ट में और कोई ऐसे केस नहीं थे कि जिनकी डेट पोस्टपोन की जाए? क्या लेखपाल भर्ती का केस ही एक ऐसा बचा है जिनकी सुनवाई केवल लेफ्ट ओवर कर दी जाती है, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं निकाला जाता? वहीं पर लेखपाल के पूरे स्कैम के बारे में आज आप इस वीडियो में जानोगे मित्रों कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या चाहता है, क्यों बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, कोर्ट का मकसद क्या है, क्यों चाहता है शासन आपकी भर्ती को ढकेलना, क्यों आपकी भर्ती को लटका रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा आपका रिजल्ट, पूरा जो स्कैम है आप इस वीडियो में जानने वाले हो। वहीं पर सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यूपी लेखपाल एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो समय समय पर मिलते रहे। मित्रों, यहां पर आप देखिएगा, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। तीनों यूपी ट्रिपल एससी आयोग, जिसने यूपी लेखपाल की भर्ती को कंडक्ट कराया, वह भी बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसने आंसर की ऐसी निकाली कि उस पर 69,000 आपत्तियां दर्ज हो गई। वहीं पर आपका रिजल्ट को इतना खींच दिया कि उस पर फिर कोर्ट केस होने लगा। कोर्ट बच्चों के भविष्य से खेल रहा है, क्योंकि कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट के पास हजारों केस फाइल पड़ी हुई है, लेकिन उन हजारों में से केवल एक लेखपाल की फाइल को सुनकर ही कोर्ट यह कहता है कि इस फाइल को लेफ्ट ओवर कर देते हैं, क्योंकि लेखपाल वाले बच्चे वहां पर और जो केस होंगे उनसे 10 या 20 इंसान जुड़े होंगे, 50 इंसान जुड़े होंगे, 100 आदमी जुड़े होंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यूपी लेखपाल वैकेंसी से पूरे 2.25 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहां पर आप पूरे स्कैम को समझिएगा, जब तक यहां पर यह है आपकी जो 8,085 की पदों की जो पोस्ट है, तब तक यह फाइनल नहीं हो जाती, तब तक जो अगली आपकी जो वैकेंसी है उसको नहीं लाया जाएगा। यानी कि आप यहां पर समझ रहे हो ना, इसको जानबूझकर लेट किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाली जो लेखपाल की भर्ती है वह भी लेट हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे हो शासन चाह रहा है, प्रशासन चाह रहा है कि जो आपकी जो 2024 में चुनाव है वो चाह रहा है कि ये भर्तियां तब जाकर संपन्न हो जब वोटिंग टाइम आ जाए। उनका मकसद तो वह जीतकर इन भर्तियों को पूरी कराए, क्योंकि बच्चों का भविष्य है, वो तो अपना भविष्य बना बैठे हैं, अब तो बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं ना। आप यहां पर देख सकते हो 6 महीने होने वाले हैं भर्ती को, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। भर्ती क्या पूरी 4 साल में कंप्लीट कराएंगे? यहां पर आप देखोगे पूरा लेखपाल का स्कैम, पूरा फॉर्मेटिव इनको इन्होंने बना रखा है कि इस भर्ती को कंप्लीट नहीं करेंगे तो अगली भर्ती का केवल नोटिफिकेशन निकाल देंगे और कह देंगे कि अभी पहली भर्ती पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, इस भर्ती को जानबूझकर लेट किया जा रहा है, जिससे अगली भर्ती को हम चुनावों तक खींच सके। अब वो कोशिश तो यह कर रहे हैं कि 8,000 पदों को भी यह है चुनावों तक खींच दे, लेकिन याद रखना यह 2.25 लाख बच्चों को नेगेटिव असर पड़ेगा, यह आपको अपनी औकात दिखा देगा, यह अगर अपनी पर आ गया तो अपने हक के लिए लड़ेगा, आपको वोटिंग जो आप चाह रहे हो इस भर्ती को लेट करने की वजह से, यह आप सभी को आपकी औकात दिखा देगा। आपको सामने आना होगा मित्रों, अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप चाहते हो कि यूपी लेखपाल वैकेंसी का रिजल्ट निकले तो आप सभी को सामने आना होगा, आप पूरे 2.25 लाख बच्चों को एक साथ कैंपेन करना होगा। सभी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने कहा था 1 फरवरी के लिए ट्विटर कैंपेन के लिए, लेकिन देखने को आ रहा है कि आज कोई सामने नहीं आया है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट निकले तो याद रखिएगा यह रिजल्ट भी निकलेगा, लेकिन कब? जब आप लोग सामने आएंगे। आप लोगों को पूरा स्कैम मैंने बता दिया कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी आयोग और शासन क्या चाह रहा है। अगर जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवाना चाह रहे हो तो सभी लोग जुड़िए और सभी डिस्कशन करिए, कमेंट बॉक्स में उस एक डेट फिक्स करिए जिससे आप लोग अपना एक ट्विटर कैंपेन कर सके, औकात दिखा सके उस यूपी ट्रिपल एससी आयोग जिसकी इमेज आपके कदमों में आ चुकी है,
छह महीने मायने रखते हैं, रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, कैसे बता दें कि आपका रिजल्ट कब निकलेगा। तारीख आ जाती है, उसके बाद फिर अगली तारीख आ जाती है, यानी कि सब केसों की सुनवाई हो जाती है लेकिन लेखपाल के केस की लेफ्ट ओवर ही होना है। मैं गारंटी देता हूं ये कल भी अगर केस को फाइनल करा रहे तो इस प्रकार से केस तो फिर 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। आप लोगों को सामने आना है अगर रिजल्ट आपको निकलवाना है। तो दोस्तों यही आज का अपडेट था यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो लगा हो कि आपके लिए संवेदनशील है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं इस वीडियो को उस हर लेखपाल बंदे तक पहुंचा देना है जिससे वह आपका साथ दे सके और आपका रिजल्ट जल्दी निकल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, सपोर्ट करें। AKGS रिसर्च सेंटर आप लोगों के साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। डेट फिक्स करें, एक ट्विटर कैंपेन अभियान चलाएंगे जिसको हम सफल बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग उसे उम्मीद है कि आप लोग एक डेट फिक्स करोगे और जो भी अपडेट आएगा यूपी लेखपाल एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड तो फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।